दीना कूड़ा दे दीना ठगी कर देख वारना असा तयारा दे यार हाँ असा तयारा दे यार हाँ। वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ कायनात फातिमा। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बसारत से तो महरूम हैं लेकिन बसीरत से मालामाल हैं। आपको बताएं, हमारे साथ नज़ाकत मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला एक चीज़ लेता है तो 100 सलाहियतें साथ में जो है अता भी करता है, तो इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। और इनकी ख़ास बात ये कि इन्होंने अपनी बिनाई को जो है बहाना नहीं बनाया और अपने एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसमें इनको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले और किसकी मोटिवेशन हासिल है, तो मज़ीद जान लेते हैं नज़ाकत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, कैसे हैं नज़ाकत, ठीक है आप? ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नज़ाकत, बताइएगा कि सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और आपने कहाँ से हासिल की। जी, मैं इस टाइम BS इंग्लिश सेमेस्टर 8 में हूँ। आई एम परस्यूइंग माई BS एट इस्लामाबाद मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज H8 विच इज़ एफिलिएटेड फ्राम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, मतलब क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है। नॉर्मल स्टूडेंट के साथ आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई चैलेंजेस तो नहीं फेस करने को मिले? जी, अगर मैं ये कहूँ कि चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते तो ये तो बिल्कुल गलत। बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, लेकिन वो शुरू के एक आध दिन में हुआ इस तरह का कि टीचर्स ने पूछा आपके लिए कोई स्पेशल चीज़ है ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी टीचर के ऊपर बर्डन नहीं बने और मतलब टीचर्स ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और मैंने बहुत अच्छे 6 साल यहाँ पे गुजारे हैं। ठीक है जी। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कोई टैलेंट है आपके पास? जी, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। मैंने इट्स बीन 6 ईयर्स दैट आई एम स्टिल लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक। मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस लाहौर में परफॉर्म किया है। मैंने प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, बहुत सारे चैनल्स पे अपीयरेंस दी है और अभी रिसेंटली 14th of June को मैंने अपना गाना रिलीज़ किया है जिसका नाम है देखते देखते, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो जुदा हो गया देखते देखते, वो जुदा हो गया देखते देखते। हाँ, ये तो बड़ी बात है कि आप प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही प्यार नाल ना सही। वाह, क्या बात है।
तो एक दो चार कॉम्पिटिशन्स फिर मतलब पेरेंट्स को समझ आ गई कि क्लासिकल सीखना बहुत ज़रूरी है और बच्चा अच्छा कर रहा है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। किन किन प्लेटफॉर्म्स पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिला और ऑडियंस का फीडबैक कैसा रहा? यार ऑडियंस का फीडबैक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। दूंगा कि एक दूसरे का ख्याल रखें और जो स्पेशल लोग होते हैं वो भी आपकी तरह माशरे का हिस्सा होते हैं, जो कि आपके प्यार और कोऑपरेशन की जो है वो तलबगार होते हैं। तो आप जहाँ जहाँ मतलब कोई रोड पे मिले, और बच्चों से मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को कि जब कॉलेजेस में आपको कोई ऐसे बच्चे मिलते हैं फिज़िकली डिसेबल, विजुअली चैलेंज्ड या हेयरिंग इम्पेयर्ड, तो उनको बिल्कुल भी अपने से अलग ना समझें और बिल्कुल उन्हें अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करें। सही जी, बेस्ट विशेस नज़ाकत आपके लिए एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि नज़ाकत जैसे जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। इसी के साथ अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते हम पश्तो में गाना भी सुन लें। लड़शा पे खबर तक मिस्तोर माल रौड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलू नादरे सलोर माल रौड़ा।
ताजा ताजा गुलू नाद्रे सलोर माला रौड़ा।